वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित आराधना अपार्टमेंट इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता महामंडलेश्वर इंद्र देवानंद महाराज पर फ्लैट से सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए थाना वृंदावन कोतवाली में फ्लैट के सामान चोरी करने के आरोप में FIR दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में महामंडलेश्वर इंद्र देवानंद महाराज का कहना है कि उनके विरुद्ध काफी बड़ा संयंत्र किया जा जी महाराज जी बताएं, अभी एक आपके और आपके साथ में चार बंदों के खिलाफ जो मामला पंजीकृत हुआ है थाने में, क्या मामला है? ये आराधना अपार्टमेंट जो अभी किशोरी सेवा धाम के रूप में जाना जा रहा है, यहाँ पे लगभग 25 से 30 फ्लैट हैं जो पूर्व से 15-16 से बिके हुए हैं। हमने अभी यहाँ पीछे की बी ब्लॉक और ये इसमें 14 फ्लैट हमने अभी लिए हैं, समझे अप्रैल से। तो लगभग सभी फ्लैटों में से 3-4 फ्लैटों में लोग रहते हैं, बाकी सारे फ्लैटों में ताले पड़े हुए हैं और कोई लोग जिनके हैं उनको हम तो जानते नहीं हैं। वो अभी आए गए होंगे तो हमें पता नहीं, किसी का कोई हमसे मिले उनको मारे में पता है। यहाँ पूर्व से के गौतम जो है वो पूर्व से यहाँ संभालते थे, यहाँ पर मैनेजर थे या वो क्या थे बिल्डर का। तो अभी यहाँ पर समझो के गौतम भी यहाँ रहते ही हैं, उन्होंने 2 फ्लैटों में ताला डाल के रखा हुआ है, उनका और मालिक का कुछ मसला है आपस का। तो इस हिसाब से यहाँ पे किसी फ्लैट में से, एक फ्लैट है किसी पटना वालों का, उनमें से कोई सामान चोरी हुआ है। तो सामान चोरी हुआ है तो उसमें उनका केके का, उनके बच्चे का और हमारा भी नाम डाला हुआ है। उनका शक है कि भाई हम रह रहे हैं यहाँ पर तो शायद हमने निकाला होगा, और ये किसी ने करवाया है समझो। ये राजनीतिकरण जो है साधु को बदनाम करने का, कई लोग हैं और आप सब परिचित हैं हमसे भी और समाज से भी, यहाँ जो चल रहा है उससे भी। महाराज जी जिस तरीके से उन लोगों का आरोप है कि डुप्लीकेट चाबी बनाई गई है, डुप्लीकेट चाबी लेने के बाद में एक तरफ आप जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं एक वो संत की गद्दी है और दूसरी तरफ एक चोरी का आरोप लगना, ये तो आरोप तो जो है स्वतंत्र है, आदमी कहीं लगा सकते हैं। क्योंकि किसी चीज़ का कोई प्रूफ हो, कोई करके दे प्रूफ हो चोरी हुई है, अगर हमने कोई है तो आप हमारे लेके जाओ, पुलिस हमें लेके जाए, अपना हमसे मंस वाले कुछ कर वाले जैसा उनका हथियार यूज कर सकते हैं। तो पर ये बहुत ही, इसको क्या माना जाए महाराज जी, कि जिस तरीके से सीधा सीधा नाम जद ये बड़े बड़े राजनीति का शिकार हो गए हैं वो भारत, जिनका फ्लैट है ये है कुछ नहीं समझो, उसको करवाया गया है बड़ा चढ़ा के मिल के करवाया है। जो लोग जिनको मैं पसंद नहीं, खुश नहीं या जो भी तकलीफ होगी किसी को करवाया है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार आए यहाँ, बहुत सारे लोग आए, सब ने बताया कि ये सब साजिश के तहत हुआ है आपके ऊपर। तो साजिश के तहत ही है एक साधु संत को, अब कोई अभी वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा अपरिचित पत्रकार जो जान नहीं रहा कि सच काम क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। अभी यहाँ रोजाना कपड़े बट रहे हैं, 500 साधुओं को रोज दूध पिलाया जा रहा है, 2000 लोगों का रोज खाना बनता है, दिन भर खाना चलता है, सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक दवाइयाँ बढ़ती हैं रोजाना, जिंदगी दी जा रही है, पूरे वृंदावन को खड़ा किया गया बीमारी से। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।